इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन? नमस्कार दोस्तों, मैं एशिया टेलीकॉम का स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ पे क्लास करने आया हूँ अहमदाबाद से। और दोस्तों, हम लोगों ने इंस्टीट्यूट में डेली क्लास करते हैं, और क्लास करने के बाद शाम को रिवीजन होता है, और उसके बाद रात को हम लोग अपने रूम पे बैठ के यहाँ पे जितने भी हम लोग सेट हमारे पास फॉल्ट सेट रहते हैं, उस सेट का रिवीजन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एक सैमसंग का टच का सेट है। इस सेट में लाइट नहीं जल रही है, ये सेट ऑन होता है पर इसमें लाइट नहीं आती। ये सेट हमारे पास एक दो महीने से पड़े हैं। इसमें हम लोग कई यहाँ से चेक किया, इस सेट का डिस्प्ले सही है और इसके बोर्ड से कोई सप्लाई नहीं सही थी, तो जिससे इसमें लाइट नहीं जल रही है। तो दोस्तों, अब हम लोगों को सर ने हमको लाइट सेक्शन अच्छे से पढ़ाया है, और उस जानकारी को हम लोगों ने लाइट सेक्शन को सारी जानकारी ली है। उसके बाद इस सेट को अब हम उस जो जानकारी हम लोगों को सर ने दिया है, उस तरीके से हम इसको अब चेक करेंगे और लाइट सेक्शन का सारी सप्लाइयों को चेक करेंगे, और फिर देखेंगे कि ये सप्लाई कहाँ से नहीं आ रही है, कौन सा वोल्टेज हम लोग को नहीं मिल रहा है, कहाँ से सप्लाई नहीं आ रही है। उसके बाद देखेंगे इसमें लाइट कैसे जलेगा। तो आइए दोस्तों, इस सेट को हम लोग खोलते हैं। खोलो सेट। देखिए दोस्तों, इस समय रात हो गया है, हम लोगों ने क्लास करके आया है, और इस समय कितना टाइम हो रहा है, 2 बज रहा है। हम लोग केवल प्रैक्टिकल करते रहते हैं, और प्रैक्टिकल करते करते कब टाइम बीत जाता है पता भी नहीं चलता है। तो कई सेट आज हमने बनाया है, लाइट सेक्शन का 2-3 सेट बनाए हैं सर के बताए हुए मेथड से, और इस सेट को बताए हैं। तो ये सेट थोड़ा डिफिकल्ट था, तो हमने कहा कि आप लोगों को भी इसकी जानकारी दे दी जाए। इस सेट को हम लोग ऑन करके चेक करेंगे, इसमें डिस्प्ले आ रहा है और लाइट नहीं आ रही है। ऑन करो। हाँ, ऑन करो। ये देखिए दोस्तों, ये सेट अपना ऑन हो गया है, डीसी में वोल्टेज आ गया है, मतलब सेट ऑन हो गया। ठीक है, और इस पर हम लोग देखेंगे अब क्या आ रहा है इसके डिस्प्ले में। टॉर्च जला के देखा जाए, उनको डिस्प्ले उठाए, दिख रहा है लोगों? आ गया सैमसंग, इसमें नहीं दिख रहा है ना, इसमें नहीं दिखेगा ऐसे तो नहीं, हल्का सा भी दिखेगा तो ये। हाँ देखिए दोस्तों, ये सैमसंग हम लोग को दिख गया, सैमसंग लिखा हुआ, देखिए आपको भी दिख रहा है, ध्यान से देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए दोस्तों, ये सैमसंग लिखा हुआ दिख रहा है। ये अब ऑन हो गया, अब रुको, पूरा आ जाएगा ना, आ गया, पूरा आ गया, पूरा वो मेथड आ गया, पैटर्न लॉक आ गया। ठीक है, चलो सैमसंग तो दिखी गया। ठीक है दोस्तों, ये सेट अब ऑन हो चुका है पूरी तरीके से। अब इसमें हम लोग चेक करेंगे, चलो चेक करो, देखो कहाँ से फॉल्ट क्या है। देखिए दोस्तों, हम लोग अपने रूम पे आए, और ये हम लोगों ने रूम पे एक टेबल पे अपना सारे सेटअप को बना के रखा है, कि डेली का यहाँ जो सर प्रैक्टिकल कराएं उसको यहाँ पे आके खुद से प्रैक्टिकल करना। और ये हमारे स्टूडेंट हैं, अहमदाबाद से आए हुए हैं, और बाकी पे देखेंगे। हाँ, सब सप्लाई चेक करो। और देखिए दोस्तों, हम लोग अपने रूम में रहते हैं, और यहाँ कई लड़के सो रहे हैं और अपना मोबाइल ले लेके सब चेक कर रहे हैं, और देखो सारे आईसीओ के पॉइंट पे वोल्टेज चेक करो, इनपुट भी आ रहा है, आउटपुट भी आ रहा है, इनपुट आउटपुट आ रहा है, वोल्ट कितना आ रहा है, 4 वोल्ट 4 वोल्ट
हाँ ये देखिए दोस्तों, इनपुट पे 4 वोल्ट आ गया। यहाँ पे जो डायोड लगा हुआ है दोस्तों, वो भी देखिए आप, डायोड पे भी 4 वोल्ट ऐसा आना चाहिए। ये 9 वोल्ट का आ गया। ये वो ये फॉल्ट लग रहा है इस पर दोस्तों, कम से कम 20 वोल्ट से ऊपर। अच्छा, डायोड पे 9 वोल्ट आ रहा है आउटपुट पे। यही फॉल्ट है ना? नहीं, इनपुट आउटपुट पहले चेक करो, दोनों 4 वोल्ट आ रहा है। इनपुट इनपुट चेक करो, इनपुट पे 4 वोल्ट आ गया। आउटपुट आउटपुट भी 4 वोल्ट आ गया, मतलब कि इनपुट आउटपुट सही है। ठीक है, तो इसका मतलब कॉइल भी सही है। ठीक है, अब कैपेसिटर देख रहे थे। हाँ कैपेसिटर देखो, डायोड पे देखो कितना वोल्टेज आ रहा है। ये कहाँ पे रखे हो? कैपेसिटर। कैपेसिटर पे भी 4 वोल्ट आ रहा है, मतलब कैपेसिटर भी सही है। मतलब इनपुट देखिए दोस्तों, डायोड के इनपुट पे देखते हैं कितना वोल्टेज बन रहा है। डायोड के इनपुट पे भी 4 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, आउटपुट देखते हैं। इसके कैथोड एनोड पे भी 4 वोल्ट आ रहा है, मतलब इसका मतलब इनपुट से आउटपुट सारी सप्लाई सही है। ठीक है, एफ बी देखो, एफ बी तो नहीं आ रहा है, वो तो ग्राउंड है मेरे ख्याल से। एफ बी के दोनों, एफ बी और ग्राउंड दोनों चेक करो, क्या बता रहा है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा एफ बी और ग्राउंड पे। तो इसका मतलब दोनों ग्राउंड होंगे होंगे। कोल्ड टेस्टिंग हम लोग करेंगे तो इनपुट आउटपुट एकदम सही बता रहा है। तो फिर उसके बाद टेस्टिंग भी कर लिया। ई एन सिग्नल नहीं, ई एन सिग्नल देखो बना रहा है। ई एन सिग्नल वाले पॉइंट पे देखो, ई एन सिग्नल नहीं, यही नहीं नहीं आ रहा। ई एन सिग्नल कहाँ टच हो गया? ई एन सिग्नल नहीं बन रहा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ दिखा दो जरा, ये ई एन सिग्नल यहाँ पे रजिस्टर पे ई एन सिग्नल दोस्तों नहीं आ रहा है। वहाँ छोटा सा रजिस्टर लगा हुआ है, उस पर ई एन सिग्नल नहीं आ रहा है। इसका मतलब अब वो ई एन सिग्नल इनपुट आउटपुट पूरी आ रही है, ई एन सिग्नल नहीं आ रहा है। इसका मतलब इनपुट आगे इनपुट आउटपुट जब 4 वोल्ट आ गया तो कॉइल सही है, इनपुट आउटपुट केवल ई एन सिग्नल नहीं बन रहा है, इसलिए इस बोर्ड में लाइट नहीं जल रहा है। अब दोस्तों हम लोग को आज तक हम लोग 5 साल से रिपेयरिंग कर रहे हैं, ईएन सिग्नल की तो जानकारी नहीं थी। ये होता क्या है, एक्टिव वोल्टेज होता क्या है? सर ने हमें सारी चीज़ों की जानकारी दी, जिससे हम लोग तुरंत सेट के फाल्ट को पकड़ ले रहे हैं। चलो ठीक है, तो इसका ईएन सिग्नल बनाओ। ईएन सिग्नल बनाया जाए, वोल्टेज खोलो। अब दोस्तों इसमें हम लोग ईएन सिग्नल खोजेंगे। आईसी के 6वें वाले पिन पे ईएन सिग्नल, मतलब कि ना ईएन सिग्नल आ रहा है ना एक्टिव वोल्टेज आ रहा है दोस्तों। तो अब हम लोग इसमें खोजेंगे कि किस सेक्शन में एक्टिव वोल्टेज आ रहा है। तो जिस सेक्शन की एक्टिव वोल्टेज आ रही होगी, उस सेक्शन से एक्टिव वोल्टेज का जम्फर हम उसके ईएन सिग्नल पे दे देंगे तो लाइट जल जानी चाहिए। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कहाँ पे आता है ईएन सिग्नल का एक्टिव वोल्टेज। पावर एक बार सब चेक करो, ये देखिए दोस्तों आ गया। आ गया कहाँ? पावर आई सी के पास। हाँ कैपेसिटर पे ना। हाँ आ गया 1.78। देखिए दोस्तों यहाँ पे 1.8 से लेके 2.8 तक ईएन सिग्नल आना चाहिए, तो 1.8 यहाँ पे 1.79 हो गया, तो 1.8 के नियर अबाउट ये ईएन सिग्नल है। अब यहाँ से हम उठा के लाइट सेक्शन में जम्फर मार देंगे दोस्तों, तो लाइट आ जानी चाहिए। आइए हम लोग जम्फर मार के देखते हैं। दो जम्फर मारे हैं, लो तुम ये वीडियो बनाओ, जम्फर मारे। ठीक है दोस्तों, अब हम जम्फर मार के यहाँ पे देखते हैं। एक इस लड़के ने इतनी सारी चीख कर दी, और आइए दोस्तों कुछ काम हम भी कर लें। हम लोग यहाँ पे मिलजुल के सब लोग इस वाले पे आया था ना, यहाँ से उठा के छठे पॉइंट पे।
ऊपर से। पेस्ट लाना पड़ेगा, ये वाला अच्छा आता है पेस्ट। बनारस का है ना? देखिए दोस्तों, ये हम जम्पर के दोनों सिरे पे छील लिए हैं और यहाँ पे पेस्ट का इस्तेमाल करते हुए जम्पर को लगाएंगे। पेस्ट का इस्तेमाल करने से जम्पर मजबूती से लगता है, वो छोड़ता नहीं है। ये देखिए दोस्तों, हम दूसरे पावर आईसी के सेक्शन से ईएन सिग्नल आ रही थी, उस ईएन सिग्नल को हमने लाइट सेक्शन में दे दिया। ये जम्पर लग गया है हमारा मजबूती के साथ। अब हम इसको ऑन करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब ये जम्पर हम लोग का एकदम मजबूती के साथ, और देखिए और थोड़ा नीचे करके दिखा दें यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, ये आईसी का छठे ले गए, यहाँ पे ईएन सिग्नल आती है, यहाँ पे ईएन सिग्नल नहीं मिल रहा था हम लोग को, और बाकी ये सारे पे वोल्टेज मिल रहा था। तो ये ईएन सिग्नल हमने पावर आईसी के पास एक कैपेसिटर पे आ रहा था, वहाँ से ईएन सिग्नल लेके हमने इस आईसी के ईएन सिग्नल पर दे दिया। अब आइए दोस्तों देखते हैं सेट कि लाइट जलती है, ऑन होता है कि नहीं। अच्छा, दो लगाते हैं ये। सेट को दोस्तों ऑन करते हैं। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, लाइट आ गया हम लोग का। ठीक है दोस्तों, ये देखिए लाइट हम लोग का आ गया। इसका मतलब सर ने जो हम लोग को ज्ञान दिया एकदम एक्यूरेट है। पहले तो हम लोग को ज्ञान भी नहीं था कि कहाँ से कौन सी वोल्टेज आती थी, ईएन सिग्नल क्या होता है, एक्टिव वोल्टेज क्या होता है। अब यहाँ से ये ईएन सिग्नल हम लोग खोज के, इस आईसी का इनपुट कहाँ से वीवेट से आता है, इनपुट का पहला लेग उसके सामने आउटपुट का लेग, आउटपुट के बाद वी आउट होता है, वी आउट के बाद ईएन सिग्नल होता है। तो ये ईएन सिग्नल से सप्लाई नहीं आती इसलिए लाइट नहीं जलता, और हम लोग क्या करते हैं कि आईसी चेंज कर देते हैं, डायोड चेंज कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं दोस्तों। अब हम इस सेट को पैक करके पूरा ऑन करेंगे। हाँ ठीक है, सेट तो ऑन हो गया। ठीक है, पूरा सेट ऑन हो गया है। अब डिस्प्ले नहीं था, केवल हम लोग को सैमसंग इतना दिख रहा था जब लाइट नहीं थी। तो जब ये जम्पर हमने नहीं मारा था, जम्पर दिखा दो फिर से। ये देखिए दोस्तों, ये हमने ये जम्पर मारा हुआ है, और ये ई एन सिग्नल की सप्लाई आने के बाद सेट ऑन हो गया है। ये देखिए दोस्तों, सेट पूरा ऑन हो गया। अब इसको हम लगा के इस सेट को पैक कर लेंगे तो टच सब काम करने लगेगा। तो दोस्तों देखिए, हम लोगों ने रात को इतनी कड़ी मेहनत करते हुए, और अभी देखिए कितना 2:30 बज गया, मतलब 20 मिनट करीब हो गया इस सेट को हमको अच्छे से बनाते हुए। तो दोस्तों ये हम लोग की भी कड़ी मेहनत है, और यहाँ पे जो भी स्टूडेंट आते हैं वो कड़ी मेहनत करेंगे,
तो उन लोगों को इतना सारा ज्ञान मिलेगा। हम लोग देखिए दोस्तों आए हैं और यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये लाइट जल गया और आप सभी को गुड नाइट। और देखिए ये हमारे यहाँ के सारे स्टूडेंट हैं, ये एक स्टूडेंट है जो बीमार है आज, उसका तबीयत हल्का ख़राब हो गया तो वो सो रहे हैं, तो वो भी दो ढाई बजे तक हम लोग के साथ काम करता है। हम लोग रोज डेली दो ढाई बजे तक काम करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। तो ये मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं, अभी हमारी क्लास पूरी हो चुकी है और आज हमारी आखिरी क्लास थी। तो बताओ तुम्हारा नाम बताओ, कहाँ से है ये बताओ। मेरा नाम नीरज अरोड़ा है, मैं महाराष्ट्र से यवतमाल जिले से। मुझे नीरज जी बताओ कि यहाँ पर तुम्हें जो क्लास में सीट मिली है वो कैसे मिली है। पहले तो मेरी एडमिशन हो नहीं रही थी, मैं डेढ़ महीने से ट्राई कर ही रहा था, सर ने बोल दिया था कि नेक्स्ट मंथ में ही होंगी। तो ये फेसबुक पे उनके पहले जो स्टूडेंट रहे चुके अनूप अरोड़ा, उनसे मैंने कांटेक्ट किया फेसबुक के थ्रू। अनूप ने तुम्हें मेरे बारे में क्या बताया, मतलब क्योंकि लोग बोलते हैं कि इंस्टीट्यूट में जो बच्चे पढ़ते हैं वही दूसरे लाने चाहिए, तो वही तो इंस्टीट्यूट का आउटपुट निकलता। तो मैंने भी वही उसी के लिए इंक्वायरी के लिए मैंने पहले उससे कांटेक्ट किया कि भाई सर कैसा पढ़ाते हैं, तुम्हारा उसमें कमीशन तो नहीं है कि तुम मेरे को उसकी तरफ भेज रहे हो बाहर दूसरी जगह जाओ। तो उन्होंने बोला नहीं आप जाओ, बोले अच्छा पढ़ाते सर, एक बार जाओ बोले दूसरी जगह मत जाओ, भले पर वहाँ एक बार ट्राई करो। फिर और मेरे जो बेसिक कंसेप्ट थे, मतलब मेरे को काम तो आता था हार्डवेयर का, बट ट्रैकिंग ये ट्रेसिंग वगैरह कुछ भी नहीं समझता था, कंपोनेंट नॉलेज कुछ भी नहीं था, वो मेरे को आज आ गया पूरा अच्छी तरह से। अब जैसे ही मैं गांव जाऊंगा थोड़ा बहुत काम एक्स्ट्रा कर ही लूँगा। और सॉफ्टवेयर का भी सर ने बहुत डीपली नॉलेज दिया है, बढ़िया, मतलब अच्छा लगा आपको। चलिए ये आप मेरे से पैसा लेके तो नहीं बोल रहे हो? नहीं बोल रहे हो, पैसा दे के बोल रहे हो जबकि। हाँ ठीक है, तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर मेरा बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। मेरा नाम जयप्रकाश है और मैं जो है यूपी के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ हूँ। अच्छा। और मैं सर को जो है 3-4 महीने से फॉलो कर रहा था और मैं जुलाई बैच के लिए भी मैंने कॉल करा था जो है, तो कॉल मेरी जो है क्यूट ही नहीं। तो उसके बाद फिर मैंने एक SMS करा तो फिर मुझे रिप्लाई आया कि जो कि आपको अगस्त बैच का एडमिशन मिल सकता है, तो उसमें फिर मेरी सीट कन्फर्म हुई तो फिर मिल गया। तुमने पूरा महीना यहाँ पे निकाला, पूरे दिन और रात में भी तुमने प्रैक्टिस की, दिन में भी प्रैक्टिस की। तो एक चीज़ मैं यहाँ पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि नहीं यार ये एक महीने में क्या सीखेंगे या ये वो क्या सीखेंगे, तो क्या दिमाग में रखे कि आज भी बहुत से लोग अपने यूट्यूब में ऐसी ऐसी बातें करते हैं, तो क्या उनको बोलना चाहोगे? क्या दूसरे इंस्टीट्यूट में जाने से अच्छा तो सर आपके पास आएगा, उसको पूरा उसका मतलब बेसिक भी क्लियर हो ही जाएगा, कंपोनेंट नॉलेज आ जाएगा, ट्रेसिंग वगैरह आ जाएंगी। दूसरे इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं होता, मैंने 5 साल पहले भी पढ़ा था नागपुर में, मेरा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं समझा मुझे कुछ भी। वो भी तुम कितने महीने पढ़े थे? 3 महीने। 3 महीना तो अभी तो वही 2 घंटा क्लास होती थी। लोग बोलते हैं कि 3 महीने ही पढ़ो तो सीखोगे, एक कैपेसिटर को 3 दिन देखोगे तो सीखोगे या 10 दिन जो भी है। तो आपने यहाँ पे कैपेसिटर में कितना दिन दिया, कितने घंटे दिए, क्या दिया आपने? 2 घंटे जिसमें आपने क्या क्या नहीं सीखा कि कैसे लगे होते हैं, कहाँ टेस्टिंग कैसे लगा होता है, ये सारी चीज पैलर की नहीं, और कहाँ कहाँ लगा होता है, लीकेज कैसा होता है, ये सब कहाँ पे देखिए सिर्फ 2 घंटा में। हाँ तो ये जो एक्सपीरियंस आपका रहा, मतलब सेटिस्फाई है जैसे आपने सोचा था, सीख के गए हो या सीखने गए? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। पैसे तो नहीं लिए? नहीं बता तो लिए है तो। नहीं नहीं सर, आपने पैसे लिए नहीं, जबकि हमने आपको पेड किया हुआ है, तो मतलब चलो ठीक है, ये जान के बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों ये रिव्यू है मेरे स्टूडेंट का, ये मुझे डालने जरूरत नहीं है मुझे डालने की, क्योंकि जब आप देखते हो हमारी क्लास लाइव आती है, जब आप देखते हो कि इतने लोगों के साथ हम खड़े होकर यहाँ पर ये सारी चीजें बोलते हैं, कितने बार तो इन्हीं ने यहाँ पर इंडिया को एशिया टेलीकॉम को नंबर वन बोला है, कितनी बार तो नीरज भी यहाँ पे खड़े होके, क्या आप समझते हैं कि नंबर वन है कि नहीं है? नंबर वन लोग बोलते हैं कि क्या नंबर वन है, क्यों नंबर वन है, कैसे नंबर वन है, तो बोलते हैं कंपटीशन करने से नंबर वन होता है, कैसे तुम बताओ, मैंने क्या समझाया नंबर वन में, अपनी थ्योरी क्या है, मेरी थ्योरी क्या है नंबर वन की? आपको वो बच्चों को सिखाने का तरीका भी क्लियरली मतलब बच्चों के दिमाग में बैठ जाता है वो एक बार। और एक चीज और पूछूंगा कि तुम्हारे साथ में और भी बहुत सारे स्टूडेंट आए थे, उनके और एक्सपीरियंस कैसे, एक एक जन की हम बात करेंगे, उनका नाम नहीं लेंगे और ये भी नहीं बताएंगे कहाँ से आया था, कि ऑनलाइन सीख कर आया था वो, है ना, मद्रास वाला, तो दो दो वो भी हार्डवेयर भी ऑनलाइन सीख कर आया था और सॉफ्टवेयर। और वो बताओ उसका जब वो पहले दिन आया था, जब तुमने उसको मिला होगा रूम पे जाके 2 दिन, तो उसको कितना नॉलेज था और आज उसको कितना है, और वो क्या बोलता है कि मैंने कितना सीखा हुआ है? पहले उनको कंपोनेंट पता थे पर टेस्टिंग वगैरह नहीं पता थी, हालांकि
और वो उनको डायग्राम सर्किट खींचना सॉफ्टवेयर के थ्रू आता था, अब वो खुद कर लेते हैं ये एक बात, और हमको उन्होंने भी बताया, मतलब पुराने वाले इंस्टीट्यूट ने उसको पूरा नोकिया में सिखाया था, उनको स्ट्रक्चर ही दिए गए थे बस कि नोकिया का जो होगा वही इसका होगा, है ना। नाम नहीं लेंगे पर इंडिया में सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट से वो पढ़कर आया था ऑनलाइन। तो तुम बताओ ऑनलाइन जब तुमने उसको देखा कि ऑनलाइन क्या पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, क्या मतलब देखो मैं ये चाह रहा हूँ कि तुम है ना लोगों को सजेस्ट करो, मैं नहीं बोलता कि तुम ये बोलो कि मेरे यहाँ आओ सर के यहाँ आओ, मैं ये बोलता हूँ तुम अपने दिल से बताओ कि आप कहीं भी जाओ पास में जाओ पर बैठ के सीखो, उसका राज क्या है, क्या कारण है कि ऑनलाइन क्यों नहीं सीखना चाहिए आपको ऑनलाइन? वो सर सामने वाले सर आप पे फोकस नहीं कर सकते ना, दस दस बच्चों को भी आप पढ़ा रहे होंगे, आपके जो मन में डाउट्स है वो क्लियर करा देंगे सर जो भी रहेंगे। हो सकता है आपके मन में कोई डाउट ना हो, तीसरे वाले मन में डाउट हो तो वो आ जाएगा, दूसरा बच्चा भी पूछ ले तो आपको उसके थ्रू दूसरा नॉलेज। और ऑनलाइन में क्या होगा, सिर्फ वही जो प्रैक्टिकल देखने तो मिलेगा ही नहीं, कभी भी जो चीज वो बता रहा है वही चीज फाइनल है, और उसके बाद में पूछने के भी एक पता नहीं उनका कुछ होगा कि यार यहाँ पे कॉल करो ये करो वो करो, रेजिस्टेंस जो कम के का रहता जो पैरेलल में भी लगा होगा कभी बीप नहीं करता वो एक बात वो तो मालूम ही नहीं पड़ती है सर ऐसे कभी होता ही नहीं, बहुत सारी चीज नहीं होती, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा। और जो एक्सपीरियंस मिलता है सामने बैठकर, क्या वो ऑनलाइन सीखा जा सकता है क्या? नहीं ऑनलाइन। यहाँ पे आप आपकी क्लास में कितने सारे बच्चे थे जो ऑनलाइन सीख कर आए थे? हम कभी थे ना, बहुत सारे बच्चे थे ना, तो हम कभी ऐसा क्या, मैं कभी रिवील करता हूँ वीडियो डालता हूँ कि ये बच्चे इस इंस्टीट्यूट से आए हैं देखो ये ऐसे आए, ये कभी करने की नहीं चाहिए ये बताओ, उससे दूसरे बच्चों पर ये पढ़ता ना वो नहीं, मतलब निगेटिविटी फैलती है। और हमें हक नहीं है कि किसी इंस्टीट्यूट का हम नाम लें, नाम खराब करें, हमें लगता है कि हम सब अच्छे। और मैंने क्या बोला आपको, ये थ्योरी मैंने क्या समझाई कि जब तक आप अपने आपको अच्छा नहीं समझोगे तो आप फिर दूसरा आपको कैसे अच्छा समझेगा? आप अपने आपको वर्ल्ड का नंबर वन बोलो, आप अपने आपको दुनिया का नंबर वन बोलो, आप पर उतना दिखाओ भी, आपके स्टूडेंट होते हैं आउटपुट, आप नहीं होते। सर के पास में आईसी की बॉलिंग देखी कि नहीं देखी? आईसी की बॉलिंग कैसे देखी, मतलब प्रैक्टिकली लाइफ कैसे देखा आपने? राजेश सर ने किया था हमारे सामने पूरा सीपीयू निकाल के चालू मोबाइल का, चालू मोबाइल का सीपीयू लगा, और राजेश सर ने दो बार वो भी और राजेश सर ने ये चीज आपको और सिर्फ दिन में सिखाई, मतलब हम लोग ने दिन में सिखाई, रात में भी आपको ट्रेनिंग देते थे यहाँ पर रात में 12-12 बजे तक, जब भी राजेश सर आकर जो कि हमारे लोग को क्लास लेते थे बताते थे। तो मेरे रिश्तेदार तो नहीं हो ना आप दोनों? नहीं हो मेरे रिश्तेदार तो नहीं हो ना? नहीं हो, इसलिए क्योंकि हो सकता है कि साथ मेरे रिश्तेदारों में आप दोनों का ले रहा हूँ, पर ये खास है डिमांड पे है दोस्तों, क्योंकि किस तरह से एक माहौल बना हुआ है यूट्यूब में लेकर, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक आउटपुट निकले, क्योंकि आज ये दिन आखिरी दिन है, मतलब आज तारीख क्या है, 24, और कल आपकी ट्रेन कब है? मेरी वो बस 12 बजे बस है, तुम्हारा? रात की ट्रेन है यहाँ से जाने की, और कल हमारा फेयरवेल पार्टी है जिसमें हम लाइव आएंगे, तो ये सारी चीजें हैं, मतलब दिल से ये लोग कह रहे हैं दोस्तों, और मैं क्या कहूँ इसके बाद आप खुद समझदार हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। নমস্কার বন্ধুসকল, মই মকবুল লস্কর অসমৰ পৰা আহিছো মধ্যপ্ৰদেশ জবলপুৰ, ইয়াত আমাৰ ষ্টুডেণ্ট আছে এছিয়া টেলিকম ষ্টুডেণ্ট। বন্ধুসকল, আজি মই এখন কিতাপ লৈ আহিছো আপোনালোকৰ আগত, যিখন কিতাপ নেকি মোবাইল ৰিপেয়াৰিঙৰ কিতাপ হয়। এইখন কিতাপ যদি আপোনালোকে কিনিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যন লিংক এটা আছে, লিংকত আপোনালোকে কিনিব পাৰিব। আৰু বন্ধুসকল, বিশেষকৈ কথা হ'ল কি আমাৰ ছাৰে যিখন এখন বুক বনাই এখন কিতাপ বনাইছে, কিতাপখন মানে যাৰ কাৰণে ধৰি লোৱা কোনোবা মানুহ ইমান দূৰলৈ আহিব নোৱাৰে, পইচা পাতিৰ প্ৰব্লেম আছে, কাৰোবাৰ মোবাইল ৰিপেয়াৰিং শিকিবলৈ বহুত মানে হেৰি আছে, কাৰোবাৰ যদি বহুত মন আছে মোবাইল ৰিপেয়াৰিং শিকিবৰ কাৰণে, যিসকল আমাৰ ষ্টুডেণ্টলৈ আহিব নোৱাৰে সিহঁতৰ কাৰণে বহুত ভাল এখন ৰিপেয়াৰিং কিতাপ আহিছে। এইখন হাৰ্ডৱেৰ অলৰেডি ভালকৈ লিখা আছে, আৰু এইখনৰ ছফ্টৱেৰৰ বিষয়ে একো তেওঁলোকে বনোৱা নাই ছাৰে, আৰু ছফ্টৱেৰৰ কাৰণে যদি শিকিব বিচাৰে ছাৰে আৰু এখন বহী বনাই আছে, কিতাপ বনাই আছে ছফ্টৱেৰৰ কাৰণে, আৰু এইখনত হাৰ্ডৱেৰ এইখন দিলে আপুনি ভালকৈ একদম হাৰ্ডৱেৰ ভালকৈ শিকিব পাৰিব, ইয়াত হাৰ্ডৱেৰৰ একদম অলৰেডি চব লিখা আছে, এইখন আমাৰ ভালকৈ এবাৰ চাব পাৰিব। এইখন কিতাপত একদম ফটোৰ লগত ইমেজৰ লগত দিয়া আছে, একদম ভালকৈ চব লিখা আছে, মিটাৰ চিটাৰ একদম ভালকৈ যি লাগে কম্পনেণ্ট যি আছে চব দিয়া আছে, এইখনত ভালকৈ শিকিব পাৰিব। थैंक यू। आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में एशिया टेलीकॉम सर्च करें, एशिया टेलीकॉम लिखें, और एशिया टेलीकॉम लिखने के बाद आपको हमारे मोबाइल रिपेयरिंग एप्स जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और भी काफ़ी एप्स हैं जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो और मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स, मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर के काफ़ी एप्स आपको मिल जाएंगे। इसको इन एप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके लाभ उठाएँ।
an ISO 9001 and 2008 certified institute. Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.